हेलो एंड स्वागत करती हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। देखिए, कल हमने करंट अफेयर्स का पहला पार्ट पढ़ा था। ये हमने नई कोर्स लॉन्च की है इस चैनल पे। तो करंट अफेयर, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिस ये इम्पॉर्टेंट है, ये मददगार है हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। आज मैं इसमें कवर करूंगी 10th और 11th नवंबर के करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ कल जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे 6, 7, 8 के, जो कि इंग्लिश में थे एंड बहुत लोगों को समझ नहीं आई थी, मैंने इसे भी हिंदी में कर लिया है। मतलब ओवरऑल आप समझ लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें इन्हें कवर किया है हिंदी में, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ सबसे पहली बात कि आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इनकरेज किया है कि मैं और मेहनत करके आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। बिल्कुल, अगर आपको मेरे में कहीं कमियां नज़र आए तो आप बिल्कुल कमेंट करना, मैं उन पे सुधार करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड अब एक बात कहना चाहती थी आप लोगों से कि मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है एंड मैं अभी UPSC IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मेरा नाम है नैना दुबे, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरे बारे में बातें। मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें किन्हीं ने कहा था कि मैम क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो देखिए, हमें करना क्या है, हम करंट अफेयर्स की जितनी क्वेश्चंस होंगी ना, जो हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो, उन क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाने चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारे क्वेश्चंस मैं इनमें लेकर आऊँ। ये क्वाट मैंने दिया है, जो ये कोट, इसके जरिए मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब टॉपिक स्टडी को इतना सपोर्ट करते हो, सौरभ सर को इतना सपोर्ट करते हो। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप मैम इंग्लिश में मत लाइए, हिंदी में लाइए। बहुत ने कहा कि हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए, ये तो पूरी हिंदी में ही है आपकी, ये जितनी भी आपकी क्वेश्चंस होंगी ये हिंदी में है, उसके ऑप्शंस भी हिंदी में है, तो आपको अब से कोई परेशानी नहीं होगी। बट इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जो कि इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे एंड इंग्लिश में उसके ऑप्शंस होंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वहाँ देख सकते हैं, बट हिंदी मीडियम वाले या जिन्हें इंग्लिश में परेशानी है, आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने यहाँ हिंदी के क्वेश्चंस देख लिए, अब आप वहाँ जाके इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हो। उससे होगा क्या ना कि देखो, मैं क्यों बता रही हूँ, आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, बट क्यों नहीं आती है, हमें ये करना है कि हमें सीखना है। अब आप इतने सारे व्यूवर्स हो, टॉपिक स्टडी को आप इतना सपोर्ट करते हो, तो हमारा भी तो ये काम बनता है कि हाँ, अपनी जॉब या अपना पार्ट को छोड़कर हम बस आपको एज अ मेंटर, मैं आपको बस एक सलाह देना चाहती हूँ कि जिन्हें भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ये जो हिंदी की वीडियो आएगी आप देखना, जाके इंग्लिश वाली वीडियो को प्ले करना और उसमें आप थोड़ा आप रिवीजन कर लेना। मान लो उस क्वेश्चन को आपने रिवीजन कर लिया, दोनों में क्वेश्चन सेम रहेंगे। एक बात कहना चाहती हूँ, जिन्हें भी हिंदी में इंग्लिश में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आप एक बार कोशिश करके तो देखो। चलो मैं बोल रही हूँ कुछ भी और मे बी अभी मेरे को कमेंट भी आ जाए कि भाषण मत दो, पढ़ाओ, ये करो वो करो, जो भी, बट मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना है। आप एक दिन इंग्लिश पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, लगेगा अभी कि क्या बोल के गई थी, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। नहीं, आप 3 दिन पढ़ोगे, आप कोशिश करके तो देखो, या फिर आप अपने मन से पूछो। जब 4 लोग कहीं इंग्लिश में खड़े होकर बातें करते हैं, मे बी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लगता होगा कि मुझे भी इंग्लिश आती, ठीक है। तो आप एक कोशिश तो करो, आप एक कोशिश करके तो देखो, आपको ज़रूर इंग्लिश आएगी, ठीक है। करनी क्या है, मान लो ये हिंदी की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो में आप जाके उसे रिविज़न कर लेना, उससे आपको ना खुद लगेगा, आप कहीं कुछ वर्ड्स पढ़ोगे ना तो आपको खुद धीरे धीरे लगेगा कि अच्छा, इस वर्ड की मीनिंग हमें आने लगी है, ये शब्दार्थ हमें समझ आने लगा है, ठीक है। ये बस ये मेरा एक पर्सनल सजेशन था। इससे आप लोगों को किसी को भी बुरा नहीं मानना है, आप लोग इतना टॉपिक स्टडी को सपोर्ट करते हो, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जितने लर्नर्स हैं यहाँ, आप भी कुछ आगे बढ़िए, ठीक है। हिंदी तो बिल्कुल अच्छी बात है, सबको आती है, इंग्लिश भी आप थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है। एंड वैसे आपकी मतलब आपकी चॉइस है, आपको हिंदी अच्छी लगती है आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश में पढ़ सकते हो। बट हाँ, मेरा एक कोशिश था, मैं चाहती थी कि आप लोग इतना चैनल को सपोर्ट करते हो तो हम लोग भी आपको कुछ समझा दें, तो बस मैंने ये बातें आपको कही है। आगे
आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय सेना में एक अमेरिकन तोप है तो दूसरी कोरियन तोप को शामिल किया गया है, उनके क्या नाम है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारी भारतीय सेना है ना, उसमें 30 साल के बाद दो तोपों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसमें पहले का क्या नाम है, तो एक तो अमेरिकन तोप है और दूसरी कोरियन तोप है, ठीक है। तो देखिए, इनका नाम है, योर ऑप्शन इज ए, ठीक है, इनका नाम है M77 अल्ट्रा लाइट होविट्जर, एंड एक है K9 वज्र। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ये है ना कि ये 30 साल के बाद ऐड हुई है, ठीक है, इन्हें शामिल किया गया है हमारी सेना में। तो इसमें पहले का नाम है 777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर और सेकेंड का नाम है K9 वज्र, ठीक है। ये दोनों तोप ही हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र में एक समारोह हुआ था जिसमें निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी रक्षा मंत्री हैं, वो भी वहाँ मौजूद थी, और तब ये दोनों तोपों की बात की गई है कि इसे हमारी सेना में शामिल किया गया है। एंड ये जो 777 अल्ट्रा लाइट है, ये LNT के द्वारा ही स्वदेशी रूप से बनाया गया है, बट ये जो आपकी नहीं, देखिए, ये 777 अल्ट्रा लाइट जो है, ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस ब्रिटिश कंपनी का नाम है BAE कंपनी, ठीक है। एंड आपकी जो K9 वज्र है, ये हमारी LNT के द्वारा ही स्वदेशी रूप में इसे डिज़ाइन किया गया है। और हाँ, ये बोला ये जा रहा है कि लाइक ये वज़न में जो है ना, ये बहुत छोटी सी हैं और हल्की सी, इनका वज़न भी बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें अच्छी, बट बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि जो दो तोप है उनका क्या नाम है। एक तो आपकी हो गई 777 अल्ट्रा एंड द सेकेंड वन इज़ K9, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार ने ओखी तूफान से प्रभावित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई, ठीक है। किस गवर्नमेंट ने, ओखी तूफान क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ओखी तूफान जो है ना, ये केरल में आई थी 2017 में। इसमें हुआ क्या था कि जितने भी मछुआरे होते हैं या जितने भी वहाँ के मछुआरों के ही बच्चे कि जो गायब हो गए थे या फिर जो मारे गए थे तूफान के कारण, ठीक है, तो उन ओखी तूफान के कारण ये 2017 में हुआ था। तो इस बार केरल की सरकार ने ये मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई है। सो योर ऑप्शन इज ए केरल की सरकार। इसमें क्या होगा ना, वो प्राथमिक से लेकर ग्रेजुएट स्टूडेंट तक को ये पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई कि ये मुफ्त शिक्षा जो प्रदान की जा रही है वो किस सरकार के द्वारा की जा रही है, तो ये केरल के सरकार के द्वारा की जा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिन्नाराई विजयन। ये दो चीज़ें हो गई। अब देखिए, ये करेंगी क्या, ये मुफ्त शिक्षा भी प्रोवाइड करेगी और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देगी, ठीक है। इसमें LKG से जो 5 क्लास तक के हैं उनको 10,000 पर ईयर दिया जाएगा, 6 से जो 10 क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें 25,000 दिया जाएगा, और जो हाई स्कूल है, मतलब जो इंटर में है, मान लीजिए 10th के बाद 11th 12th जिन्होंने में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें वो 30,000 प्रोवाइड करेंगी पर ईयर, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए उन्होंने 1 लाख का रखा है पूरा उनका जो बजट है, ठीक है। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। वहाँ के गवर्नर है P Sathasivam और वहाँ की लैंग्वेज क्या है, मलयालम। तो ये सारी चीज़ें केरल के बारे में भी हो गई और ये पता चल गया कि कहाँ मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योर ऑप्शन इज ए केरल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, T20 के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने T20 के इतिहास में, मतलब अभी तक किसी ने 100 रन्स नहीं बनाए थे, तो इन्होंने शतक पूरा कर दिया है, ठीक है। सो योर ऑप्शन इज ए हरमनप्रीत कौर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मुरली मोहन चुंथर ने मंगलूर में कौन सी किताब लॉन्च की है जो मुंह के कैंसर और इस बीमारी की रोकथाम के बारे में बताती है, ठीक है। तो देखिए, डॉक्टर मुरली मोहन, ये एक पेशे से ये डेंटिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, दंत सर्जन जिसे कहते हैं, तो रह चुके हैं। इन्होंने मंगलूर में जो एक बुक लॉन्च की है, ये होगा क्या कि धूम्रपान या तंबाकू से यूज़ करने से जो कैंसर्स होती है ना, या जो बीमारी हो रही कैंसर, तो उसकी रोकथाम में जागरूकता फैलाने के लिए इस बुक में बातें कही गई है। और इस बुक का क्या नाम है, इस किताब का नाम है अरीवू। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कैंसर से जो के लिए जो जागरूकता फैलाया जा रहा है, इस बुक में इसके सारे विवरण दिए हुए हैं, तो इसका नाम है अरीवू, ठीक है। योर ऑप्शन इज ए अरीवू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 से 5 नवंबर 2018 तक 34वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 झारखंड के किस शहर के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित की गई। देखिए एक एथलेट्स की जो चैम्पियनशिप हुई थी, ठीक है, 2018 की, ये जूनियर लोगों की हुई थी, ये 2 से 5 नवंबर तक चली है और ये 34वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेट्स चैम्पियनशिप थी। इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो अब हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि ये पूछा जा रहा है कि ये झारखंड के किस शहर में हुई है। तो झारखंड के रांची में जो बिरसा मुंडा एथलेट्स स्टेडियम है वहाँ ये आयोजित हुई है। सो योर ऑप्शन इज़ ए। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेट चैम्पियनशिप है ये किस राज्य में हुआ है, तब आपको ध्यान रखना है, तब आप, तो ये हो गई, अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपको झारखंड बोलना है और अगर शहर पूछा जाएगा तो ये रांची हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, ठीक है, इन सबके तहत अच्छी प्रथाओं के लिए किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जैसे ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट होती है, अपराध जितने भी होते हैं उसके लिए जो ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो नेटवर्क है, नेटवर्क की सुविधा है, ये सारे सिस्टम्स के लिए, देखिए एक अच्छी प्रथाओं और का ना एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, अच्छी प्रथाओं और सफलताओं की कहानी पर 2 दिनों का ना एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसमें किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है उनकी अच्छे कामों को लेकर, तो ये हो गई असम, योर ऑप्शन इज ए असम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किया क्या है ना, असम पुलिस ने ये जो आपकी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क है इन सब के तहत उन्होंने ना एक खुद से मतलब स्वचालित पासपोर्ट सत्यापन और अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र सेवाएं शुरू की हैं, ठीक है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें असम की पुलिस के द्वारा की गई है। तो इसीलिए असम की जो पुलिस है उन्हें अच्छी प्रथाओं और सफलताओं की कहानी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है। सो किस राज्य को किया गया है, असम को किया गया है, एंड योर ऑप्शन इज ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, तो ये हो गए आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, योर ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंध्र प्रदेश में कृषि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $172 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य जो है उन्होंने कृषि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से $172 मिलियन का ऋण मिलेगा उन्हें कृषि के लिए, तो उस पर उन्होंने एक MOU साइन किया, मतलब एक समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, योर ऑप्शन इज ए वर्ल्ड बैंक। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है, ये है हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, योर ऑप्शन इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व कानूनी सेवा दिवस मनाया गया, तो ये विश्व कानूनी सेवा दिवस हमने 9 नवंबर 2018 को सेलिब्रेट किया है, एंड इसमें हुआ ये था कि देखिए मतलब हर साल ही ये 9 नवंबर को ऐसे भी हम समझ ले कि वो फ्री में, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं ना उन्हें फ्री में वो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, कोई भी मतलब उन्हें कुछ परेशानी होती है कानून से रिलेटेड, तो विश्व कानून सेवा दिवस को मनाने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि जितने गरीब लोग हैं उन्हें एक सुरक्षा की सेवा फ्री में उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है, और याद रखना है ये कब मनाया गया, ये 9 नवंबर 2018 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग कमिटी है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है गफूर रखी मो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मशरूम में शामिल बैक्टीरिया से बिजली उत्पादन के विचार का परीक्षण किया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मशरूम, कुकुरमुत्ता भी इसे कहते हैं हिंदी में बहुत लोगों ने, या मशरूम आप सब जानते होंगे, तो देखिए एक देश के वैज्ञानिकों ने मशरूम से उन्होंने कहा है कि इसमें जो बैक्टीरिया पाई जा रही हैं उससे हम बिजली प्रोवाइड करा सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया है, आपका ऑप्शन है वन अमेरिका, ठीक है, और इसमें होगा क्या, उन्होंने कहा है ना कि ये जो एक बायोनिक मशरूम है और
जैसे कि ये जो मशरूम है ना वो जीवाश्म युक्त मुक्त मशरूम होता है, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो शामिल बैक्टीरिया है उससे वो बिजली मतलब करंट उत्पन्न करेंगे। तो ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है, योर ऑप्शन इज ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ परिषद का सदस्य चुना गया है। ये क्वेश्चन मैंने कल रखे थे बट हाँ इंग्लिश में थी, सॉरी, आप इसे हिंदी में अब समझ सकते हो कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ परिषद जो है इनका भारत को कब से कब तक के लिए भारत इसका सदस्य रहेगा। तो ये 2019 से 2022 तक के लिए भारत इसका सदस्य रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2018 के स्कीट इवेंट में किस भारतीय पुरुष शूटर से शूटर को स्वर्ण पदक जीता, ने हो गया सॉरी, ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2018 की हुई उसकी जो स्कीट इवेंट में थी उसमें कौन से जो पुरुष है जो भारत के हैं उन्होंने शूटिंग में शूटर जो शूटिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मतलब गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है अंगद वीर सिंह बाजवा। योर ऑप्शन इज वन अंगद सिंह वीर सिंह बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में एरोस्पेस तथा रक्षा निर्माण नीति 2019 को लॉन्च किया है, ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, योर ऑप्शन इज ए वन उड़ीसा। उड़ीसा की जो राज्य है उड़ीसा के द्वारा इन्होंने हाल में ही एरोस्पेस और रक्षा निर्माण नीति 2019 को लॉन्च किया है, ठीक है। योर ऑप्शन इज वन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिस हेल्थ केयर के सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया है। देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर के ये सीईओ थे और इनका नाम है भवदीप सिंह। योर ऑप्शन इज भवदीप सिंह, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये फोर्टिस हेल्थ केयर के अभी तक के सीईओ रहे हैं बट अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने हवाई अड्डों पर पीपीपी योजनाओं के तहत लीज पर देने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जितने भी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पीपीपी योजना है क्या। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ये तो हो गई। तो ये पीपीपी योजना इन्होंने लगाई है जिसके तहत ये मोदी जी की अध्यक्षता में बोला गया है कि कितने हवाई अड्डों पर ये पीपीपी योजना के तहत उन्हें वो लीज पे दे देंगे, ये हवाई अड्डे जो है वो लीज पे दे दिए जाएंगे पीपीपी योजना के तहत। तो ये हो गए 6, 6 हवाई अड्डों को चुना गया है जो कि लीज पे दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखनी है, पीपीपी योजना जैसे मैंने बताया ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत होगा क्या कि जितना उसका कार्यविधि, उसकी ऑपरेशन, उसका प्रबंधन, उसके विकास में ये सहायता करने वाला है, ये जितने भी हवाई अड्डे हैं उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि करेगा, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी, इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनका उनको भी आय प्राप्त होगा। तो ये पीपीपी डेट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये सारी सुविधाएँ दी जाएगी और इसके अंदर जो है 6 हवाई अड्डों को लीज पर रखने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज़ समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह राज्य जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है वो कौन सा राज्य है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ठीक है। योर ऑप्शन इज वन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर उसे अयोध्या रखे जाने की घोषणा की है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस मैंने कल भी कवर किए थे बट बहुत बच्चों को इंग्लिश में अगर परेशानी थी तो आप यहाँ आराम से आप यहाँ हिंदी में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी और इन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर कहा है कि इसका नाम अब हम अयोध्या रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसने विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है। ये है सेशेल्स, ये याद रखना है, ठीक है। कौन सा है ब्लू बॉन्ड जारी किया है, वो कौन सा देश है हमारा, तो ये है सेशेल्स। योर ऑप्शन इज वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला जा रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 5 नवंबर 2018 को किस शहर में सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए सार्वजनिक खरीद मतलब सार्वजनिक आप कोई चीज़ें जो खरीदते हो और प्रतिस्पर्धा कानून पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। इसको ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुई है, ये नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। योर ऑप्शन इज वन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने आपराधिक मामलों पर कानूनी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है, ठीक है।
तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जितने भी आपराधिक मामले होते हैं उनसे जुड़ी कानूनी सहयोग के लिए भारत और मोरक्को के बीच में एक सहयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया वन मोरक्को, योर ऑप्शन इज वन मोरक्को, ठीक है। तो देखिए ये थे सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें लास्ट लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब कवर कर दिए हैं, 6, 7, 8 के भी, नवंबर के भी वो क्वेश्चंस थे। तो सारी चीज़ें हिंदी में हैं, आपको आसानी से समझ में आएगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, और मुझे इनकरेज करने के लिए, आपको मेरा वीडियो पसंद करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।